जैसा कि आपको पता ही होगा, हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है जो कि 20-21 में एग्जाम हुआ था नवंबर दिसंबर सेशन का। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपना रिजल्ट चेक करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा ब्राउजर पे, ब्राउजर या फिर कोई भी क्रोम ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आपको सर्च करेंगे csvtu.ac.in, ये csvtu का वेबसाइट है। यहां से अगर आप सर्च करते हो तो ये जब ओपन होगा यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा नेटवर्क इशू स्लो चल रहा है तो थोड़ा सा वेट करिएगा। हाँ, तो यहाँ पे फिर आपको जाना है स्टूडेंट लॉगिन पे। आप मोबाइल से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि मोबाइल से अगर आप करते हो तो पहले डेस्कटॉप मोड पे कर लो, ताकि आपको इजिली यहाँ पे मिल जाएगा। तो यदि आप लैपटॉप से करते हो या फिर मोबाइल से करते हो, दोनों से यहाँ पे हो जाएगा। और सबसे पहले आपको csvtu की वेबसाइट में जाना है, जो कि यहाँ पे मैंने बताया है csvtu.ac.in। और उसके बाद आपको जाना है स्टूडेंट लॉगिन पे। जैसे ही आप स्टूडेंट लॉगिन पे जाते हैं, आपको यहाँ पे आपका यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, राइट। तो आपको यदि यूजर नेम पता होगा और आपका यूजर नेम इनरोलमेंट नंबर है, और इनरोलमेंट नंबर के बाद एग्रेड करके csvtu.ac.in लगाना है। आप अपना इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे भर सकते हो, जैसे यहाँ पे है BJ6523, ये मेरा इनरोलमेंट नंबर है। ये आपका भी होगा, BJ करके 65 कुछ भी आगे आपका होगा, ये चीज आप अपने इनरोलमेंट नंबर से देख लोगे। और उसके बाद कुछ नहीं करना आपको, बस एग्रेड csvtu.ac.in, ये आपका हो गया स्टूडेंट यूजर नेम। और उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है, आप जो भी उस टाइम पासवर्ड रखे होंगे एडमिशन फॉर्म भरते समय वही भरना है। अगर आपको पासवर्ड भूल गए होंगे तो आप फॉरगेट पासवर्ड में जाके कर सकते हो। फॉरगेट पासवर्ड में आप करते हो तो यहाँ पे आप फॉरगेट पासवर्ड जैसे ही करोगे तो आपको यहाँ पे यूजर नेम मांगेगा, और फिर ये कैप्चा भर के आप यहाँ पे सबमिट करते हो तो आपके ईमेल पे जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, और वहां से फिर आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हो और फिर रिटर्न टू लॉगिन करके यहाँ पे आ सकते हो। तो चलिए, मेरा पासवर्ड अभी पता है तो मैं पासवर्ड अपना डाल देता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे पासवर्ड डालते हो, पासवर्ड यहाँ पे अगर हम डालते हैं, अब आप लॉगिंग यहाँ पे करते हो, तो लॉगिंग करने के बाद आपके पास यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो कि आप पेज यहाँ पे होगा। इसको आप सेव भी कर सकते हो, नेवर भी कर सकते हो, पासवर्ड जो आपने बनाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा रिजल्ट वाला जो पेज है वो ओपन हो रहा है। यहाँ से अब आपके पास आता है छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी का ये जो पेज है। आपको क्या करना है, तो अप्लाई फॉर फॉर्म यहाँ कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप देख रहा होगा व्यू रिजल्ट, व्यू रिजल्ट पे आपको जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपका यहाँ पे रिजल्ट आएगा और फिर उसे यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ये हमारा आ जाता है ये वाला पेज, यहाँ से आपको दिख रहा है डाउनलोड का। यहाँ से आप अगर डाउनलोड करते हो तो ये आपका रिजल्ट आ जाता है, जैसा कि ये मेरा रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। आई गॉट 8.67 CPI, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट तो नहीं बोल सकते, बट ठीक है, ऑनलाइन के माध्यम से ठीक ही है। ये मेरा रिजल्ट है, आप भी इसी तरीके से अपना रिजल्ट निकाल सकते हो, और यहाँ से आप डाउनलोड भी इसे कर सकते हो या फिर आप प्रिंट भी कर सकते हो। तो चलिए, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। और ये हमारा पूरा प्रोसेस था किस तरीके से हम रिजल्ट अपना देखेंगे। तो आई होप आपको ये चीज समझ आया होगा कि हम अपना रिजल्ट किस तरीके से चेक कर सकते हैं। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी ए गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।